नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले मैच में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। सबकी नजर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर है। चुनावी मैदान में उतरे खिलाड़ी सियासी गुना भाग लगा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि इलाके के माननीय किसे समर्थन कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन पर भी सबकी निगाहें टिकी है। माना जा रहा था कि राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को समर्थन देंगे, लेकिन राकेश टिकैत ने समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया है, लोगों को समझने में गलती हुई है। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने के बाद लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बल्यान किसानों की राजधानी सिसौली पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का खुलकर समर्थन करने का वीडियो भी सामने आया। लेकिन जब इस मामले पर राकेश टिकैत से ही सवाल पूछ लिया गया कि क्या आप समाजवादी पार्टी आरएलडी को समर्थन दे रहे हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और हम जल्द ही अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी पुष्टि भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो यही कहा जाता है कि हम आपके साथ हैं, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि आप किसको वोट डालें। हालांकि इससे पहले भी राकेश टिकैत कह चुके हैं कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, सब जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। लोगों को समझने में गलती हुई, हमारा किसी को समर्थन नहीं है, सभी पार्टियां अपना चुनाव लड़ें। ऐसे में किसान अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, आखिर वो किसे वोट दें। इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला सपा गठबंधन बीएसपी और कांग्रेस से है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और काउंटिंग 10 मार्च को होगी, तो 10 मार्च के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन किसके साथ था। इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।